Hi everyone, welcome to iExamB. I am Pratik Taldar, Chartered Accountant and your Accounts Faculty at iExamB. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो अभी ओपन है फॉर एप्लीकेशन या फिर अपकमिंग है। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बीकॉम ग्रेजुएट हैं, एमकॉम ग्रेजुएट हैं या फिर एमबीए इन फाइनेंस हैं या फिर आप अकाउंटिंग या फाइनेंस में कोई भी रिलेटेड कोर्स कर चुके हैं तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज शेयर्ड हैं उसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द अपॉर्चुनिटीज। EMRS अकाउंटेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, NIACL के अंदर अभी AO अकाउंट्स की भी वैकेंसी ओपन है। इन सब के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और इनका एप्लीकेशन विंडो अभी ओपन है, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट EMRS अकाउंटेंट को अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं या फिर एमकॉम है तो प्लीज़ डू अप्लाई। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस को आप टारगेट कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन अभी से आप चालू कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द नंबर ऑफ वैकेंसीज। EMRS अकाउंटेंट के अंदर अभी 361 वैकेंसीज हैं अकाउंटेंट के लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 66 हैं, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 9 हैं, NIACL के लिए अभी 30 अकाउंट्स AO में वैकेंसीज हैं और नाबार्ड की अभी अनाउंस होनी बाकी हैं। पास्ट ट्रेंड 2022 में 30 वैकेंसीज नाबार्ड ग्रेड ए फाइनेंस में थी। चलिए डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आप EMRS अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम या एमकॉम आपने करी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की अगर बात करें तो या तो आपने MBA कर रखा होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैनेजमेंट में, जिसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपकी फाइनेंस में, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या CFA हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, प्रेफरेबली बीकॉम विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट सिर्फ इस वाले कोर्स में है, बाकी आप देख सकते हैं चारों कोर्सेज में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर करियर। अगर NIACL की बात करें तो इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होने चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जनरल में है अगर आप, तो 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और अदर कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हैं तो 55% रिक्वायर्ड है। नाबार्ड फाइनेंस की बात करें तो आपने BBA कर रखा हो, अगर BMS कर रखा हो फाइनेंस बैंकिंग में विथ 60%, या फिर MBA कर रखा हो, PGDM कर रखा हो फाइनेंस में विथ 55%, और बैचलर डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विथ 60%, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो भी आप एलिजिबल हैं इसे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट मैक्सिमम आपकी 30 होनी चाहिए सारे एग्जाम्स के लिए। कट ऑफ डेट को आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन से, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। पे और बेनिफिट्स की बात करें तो EMRS अकाउंटेंट का ये पे स्केल है, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर मंथ की आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, तो CTC आपका पूरे साल का लगभग 13 लाख रुपीस का होता है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 11.5 लाख का CTC होता है। NIACL के अंदर अकाउंट्स के अंदर आपका पर मंथ अप्रॉक्स ग्रॉस पे 80,000 रुपीस होगा, और नाबार्ड फाइनेंस में आपका मंथली 1 लाख रुपीस का ग्रॉस सैलरी प्लस कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये सारी की सारी काफ़ी एक हाई पेइंग जॉब्स हैं, जिनमें से कुछ आप बीकॉम के बाद भी चालू कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ डू अप्लाई, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट EMRS अकाउंटेंट की काफ़ी टाइम पहले चालू हो गई थी, आज इसकी लास्ट डेट है, प्लीज़ डू अप्लाई। एग्जाम डेट्स आना अभी सभी में बाकी हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ NIACL के अंदर अभी 9 सितंबर की डेट आई है फेज़ 1 की, और फेज़ 2 की 8 अक्टूबर की आई है, बाकी सब में एग्जाम की डेट्स आना अभी बाकी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 5th ऑफ अगस्त से और एंड होगी 4th ऑफ सितंबर को। NICL में चालू हो रही है 1st ऑफ अगस्त से और 21st अगस्त तक आप ये भर सकते हैं। नाबार्ड का अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। बात करें अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 की, तो EMRS अकाउंटेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दोनों एग्जाम्स में आपको सिर्फ फेज़ 1 देना है, फेज़ 2 की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फेज़ बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। NIACL की अगर बात करें तो इसमें दो फेजेस हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, और नाबार्ड की बात करें तो इसमें भी दो फेजेस होते हैं।
एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे EMRS अकाउंटेंट के अंदर OMR आपका बेस्ड एग्जाम है, MCQ बेस्ड एग्जाम है। टॉपिक्स में इसके अंदर आपका आता है क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, बेसिक कंप्यूटर्स एंड कॉमर्स का पूरा पोर्शन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस में। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 की होगी आपकी और कोई भी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बिना इंटरव्यू के सिर्फ आपको एक फेज देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा EMRS अकाउंटेंट में। नेक्स्ट बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे दोनों ही जगह ऑनलाइन एग्जाम है। वैसे सिंगल लेवल एग्जाम ही इसका होता है, पर डिटेल्स अभी इसकी आनी बाकी हैं। टॉपिक्स इसमें कवर्ड होते हैं क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कॉमर्स का पूरा पोर्शन, आपका अकाउंट्स का पोर्शन, जिसकी हम बात करेंगे डिटेल्ड सिलेबस में। सीनियर अकाउंट्स के अंदर पास्ट ट्रेंड ये रहा है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो पूछा गया है वो 70% उसका वेटेज रहा है और बाकी का जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर्स का 30% वेटेज रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों ही जगह आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगी और इंटरव्यू रिगार्डिंग डिटेल्स अभी आना बाकी है। बात करते हैं अगर न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, जो अकाउंट्स AO के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका दो फेजेस में। फेज 1 में टेस्ट किया जाएगा आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। फेज 2 में टेस्ट किया जाएगा आपका QRE, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज और कुछ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा। 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी और इंटरव्यू का इसमें 25% वेटेज रहेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नाबार्ड फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा वापस दो फेजेज में। फेज 1 में आपका आएगा QRE, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर्स प्लस जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फेज 2 में आपका फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें कवर हो जाएगी, जिसमें से 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, प्लस कुछ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको एडिशनल इसमें करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे भी 1/4 रहेगी और इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज 50 मार्क्स का रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें आपका पूरा कॉमर्स रिलेटेड कवरेज होगा। तो EMRS अकाउंटेंट और NIACL के एग्जाम के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली सिलेबस नहीं दिया गया हुआ है, पर रिलेटेड एग्जाम्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि आपको बेसिक अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स और गवर्नेंस E-marketplace का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। रिलेटेड एग्जाम्स में भी इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। अगर बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स में दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस एंड कंपनी लॉ भी इसमें आपका कवर हो जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स हो गए और बेसिक कंप्यूटर्स, ये आपका सिलेबस रहता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपका सिलेबस गिवन है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे कि इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिजनेस लॉज आ गए, कंपनी एक्ट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स एंड GST अगेन, टैक्सेशन और ऑडिटिंग का भी पार्ट इसमें हो गया। मेजरली आप हर एग्जाम में देख सकते हैं कि कॉमर्स रिलेटेड काफ़ी सारे कॉमन टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। आप एक एग्जाम से ज़्यादा के लिए भी टारगेट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी अप्रोच रहेगी। NIACL की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिक अकाउंट्स आ गए, एनुअल अकाउंट्स आ गए, आपके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अगेन सम कॉमन टॉपिक्स लाइक टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस अकाउंटिंग। क्योंकि एक इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है तो आपको इंश्योरेंस अकाउंटिंग का बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए। IEXAMBI में NIACL का जो कोर्स है उसमें आपको इंश्योरेंस रिलेटेड अकाउंटिंग का भी काफ़ी अच्छा कवरेज मिलेगा। नाबार्ड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सिलेबस पूरा डिस्क्लोज्ड है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट आ गया, इंक्लूडिंग बैंकिंग रिलेटेड थिंग्स, कॉस्टिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट आपका हो गया नाबार्ड फाइनेंस के अंदर। तो सिलेबस यहाँ पे आपको हर एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा कॉमन मिलेगा कॉमर्स का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए टारगेट कीजिए। तो इन सारे एग्जाम्स पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का भी कोर्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सभी कोर्सेज के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, सबके फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं IEXAMBI की साइट पर। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सभी के अवेलेबल हैं। NIACL का भी अंडर प्रोसेसिंग है, कुछ दिन में आपको इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इन कोर्सेज के लिए ये सारी आपकी फैकल्टीज रहेंगी। प्राची मैम विल बी कवरिंग फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स, आई विल बी कवरिंग योर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड थिंग्स।
नेहा मैम आपका कॉस्टिंग रिलेटेड पोर्शन कवर करेंगी। फैकल्टीज में अमित सर हैं, तुषार सर हैं, संजीव सर हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, सीएफए हैं और अगर आपका QRE इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा वीक है तो हर सब्जेक्ट की आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे मिल जाएंगी। आई एग्जाम बी के कोर्सेज में 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर्ड हैं। क्रिस्प फॉर्म में आपको स्टडी नोट्स अवेलेबल होंगे, आपकी डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, मल्टीपल मॉक टेस्ट एंड आफ्टर स्टडिंग एवरी चैप्टर चैप्टर टेस्ट विल ऑल्सो बी अवेलेबल। तो आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज वॉच अ रिसेंट वीडियो विच वॉज पोस्टेड, जिसमें प्राची मैम का डिस्कशन हुआ था मिस्टर राहुल गर्ग से, जिनका AIR 1 था FCI अकाउंट्स के एग्जाम में। इस डिस्कशन से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ऑन हाउ टू अचीव योर ड्रीम जॉब, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप इन योर एग्जामिनेशन, एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अ राइट माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड टू एस दी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। इस वीडियो का लिंक और आपको सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, ज्वाइन आई एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।